सब गाइस वेलकम बैक टू माय बाबाज व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम जा रहे हैं अपने ताया के घर। तो बाबा भी ड्राइव कर रहे हैं और सुबह 7:30 बजे से बारिश हो रही है। पहले इतनी तेज हुई थी, वो देखो कितना डूबा हुआ है। वो देखे गाइस, ये ओ भाई साहब, उस फुल्लो पेंच तो पूरी डूबी हुई है। माय गॉड, ये क्या था? चेक किया, ये तो स्विमिंग पूल है। इस वक्त लाहौर में इतनी ज्यादा बारिश है, स्लैब आया है और आगे भी वो देखो छोटा दरिया बना हुआ है। हम इस नदी से जाएंगे, इस नदी मैं बताऊं, अब तो हम इसको नदी कहेंगे। सारी सड़क तो डूबी हुई है। मैं आपको गाइस दिखाता हूँ, ये देखें, शीशा नीचे करेंगे, ये देखें, ये पूरा डूबा हुआ है। ये वो देखें, ये क्या लाहौर में हाल है। पहले भी एक दफा हम रुके थे, मेरे इधर तक पानी आया था, इधर तक। तो गाइस मैं कह रहा हूँ रूहान को कि यार तुम भी मेरा थोड़ा सा व्लॉग बना दो, लेकिन रूहान लिफ्ट ही नहीं कराता यार। बना लेता हूं, दिखाएं। नहीं अब रहने दो, अब मैं बना लूंगा, अब बना लूंगा मैं। नहीं यार बस ठीक है अब तुम्हारी मर्जी। हम बिल्कुल नहीं दिखाने वाले क्योंकि बारिश हो रही है बाहर और सारी जगह गीली है। 0 to 70 के चक्कर में अपना पता चले 70,000 लग गए, है ना? कहीं गाड़ी स्लिप होगी, ब्रूस लग गई तो फिर खत्म, बाय बाय टाटा। हो भाई साहब, नहीं कर सकते भाई, एहतियात करनी चाहिए। क्या ख्याल है? सही ख्याल है। अयान को हमने जरा अंदर भेजा चाकू चेंज करने। यहाँ पे ना चाकू लिया था हमने, चाकू और क्यों लिया था वो भी बताएंगे आपको। वो आ रहा है, पता नहीं चेंज किया है कि नहीं, देखते हैं जरा क्या कहता है। देखो हो गया चेंज। चलो वेरी गुड गाइस, अभी हम निकल चुके हैं वहाँ पे जाने के लिए। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा प्ले बटन आ जाए जल्दी। यार आप लोग प्लीज रूहान की बात मान लें यार। देखिए आगे क्या हुआ, आप रूहान की बात सुनो। दरिया में आ गए, जिन्ना पर का क्या हाल होएगा? उसका ना ही बोले कोई, वो तो बड़ा खतरनाक होएगा। नानों के घर बाबा को पता है कहाँ आएगा, लोगों के घरों के अंदर पानी है बाबा, है बाबा वहाँ पे होएगा ना इतना गहरा। हाँ जी, चलो पूरे टायर डूबे हुए हैं। ये देखे रिक्शा डूबने वाला है, नहर डूब गई है, पूरी नहर डूब गई गाइस। और हमारी गाड़ी भी डूब चुकी है क्योंकि हमारी गाड़ी बड़ी नीची है। तो अब पता नहीं की मौज है, देखिए अब गाइस वो टिकटॉक बना रहे हैं। अब गाइस पता नहीं हमारी गाड़ी बच गई, पहले इसी रोड पे मारी जाएगी, बच जाएगी पहले इसी रोड पे। अल्लाह करे कि इंजन में पानी ना जाए, बस वरना मसला हो जाएगा ना यार। तुम कैमरा रख के व्लॉग बना रहे हो, वरना मसला आ जाएगा अगर इंजन में पानी गया तो। असल में ये जो है ना पानी, ये छोटी जो नीचे गाड़ियों की ना उनके अंदर घुस भी सकता है, दरवाजों से भी अंदर आ जाता है पर, और इंजन में तो नहीं इस तरह जाता लेकिन बम्पर पे चले जाएगा। बम्पर में रिबन हो गई, एक दफा गाइस गाड़ी लेके नहीं आई, रिबन में पानी चले गया था क्योंकि बड़ी नीचे गाड़ी है, स्पोर्ट्स कार हो गई। शुक्र है बस बच गए थे, पानी भी अंदर आई, ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसे मौसम तो आज बहुत ही ज्यादा इस वक्त खराब हुआ है, बारिश सुबह 7 बजे की चल रही है, अब दोपहर के 1 बज गए हैं नॉन स्टॉप कंटिन्यू। सुबह तो बहुत ही तेज थी, अभी जरा कुछ स्लो स्लो है लेकिन कुछ हो जाती बीच में तेज। बेबी हाउ आर यू फाइन? हाँ ओके गुड। तो भाई इनको सुबह छोड़ा था और सारा दिन इन्होंने आज दबा के कर ली याशी, और अब मैं आया उनको रात को लेने। तो भाई इन्होंने जो फरमाइश डाली है ना उस पे बर्निया दो दो चपेड़े। मैंने मोहित के फोन से जॉब किया, ये है इनको खराब करने वाला, ये दो दो चपेड़े दोनों भाइयों को, एक राइट एक लेफ्ट। ओके अच्छा, और एक ये लड़का जो है ना, ये देख सकते हैं आप, इसके गंदी करतूतों की वजह से मुंह छुपाता है, ये गंदा बैट्समैन फारिग यार, दो स्कोर करता है और आउट हो जाता है। आई डोंट लाइक हिम। इधर देखो, सेमीफाइनल मैच में तुम 0 पे आउट हो गए हो, उससे पिछले मैच में तुमने 35-36 मार दिया है, तो इतना तो ये जो है खड़े खड़े मार लेता है लेफ्ट हैंड से।
और ये जो है ये 100 मार्क का पेपर भी लिखे 100। दिखाओ ये क्या मुसीबत है, दिखाओ जरा यार ये क्या मुसीबत है, कसम से रियान ये क्या मुसीबत हमारी जिंदगी में आ गई। एक ये मतलब व्हाट द हेल इज दिस, ये ग्रीन और ऑरेंज वाली मंगवा, ये पेनाडोल जैसी बोतल हमारे यहाँ 35 रुपए की मिलती है पेनाडोल, ये उसकी टेस्ट वाली बोतल 5,000 की ये बच्चे लेने को तैयार हैं यार, कोई तरीका है ये, कोई तरीका है? ये इतना फ्लेवर मजेदार आइसक्रीम जैसा इसका फ्लेवर है, मैंने ब्लू और ग्रीन वाली लेनी है दादा के हाथ यार। मैं तुम्हें इसमें बड़ा अच्छा ORS बना के देता हूँ, इस बोतल में डाल के पियो, कुछ सेहत भी बनेगी, कुछ फायदा भी होगा। बोतल तो फिर ले लेना। हाँ तो बोतल घर में बना लेंगे जाके, बोतल लो एक प्लास्टिक के ऊपर प्राइम लिख दो, थोड़ा सा पेंट कर लो, ठीक है? मतलब यार मैं आपने मुझे दादा का भी की बोतल है 800 और ऑरेंज वाली मंगवा के देनी है, 800 देंगे देख लो, 1000 रुपए की बोतल है ये जो है ना मासी, ये खाली बोतलें बेच रही है, खाली हुई हुई बोतलें बेच रही है 800-800 रुपए की। दिखाओ जरा कितने की बेच रही है ये मासी जो है, ये बोतल हमें 800 रुपए की बेच रही है खाली बोतल, कहती है इसमें जो मर्जी डाल के पिए, पानी पिए, जहर पिए, जो मर्जी। अरे इनको क्या हो गया यार, ये आजकल की नस्ल क्या भाई, हमें एक कंट्री का जूस मिलता था एक हफ्ते में पाइन एप्पल वाला, वो पीते थे और एंड पे ना चिपका होता था वो, और ये प्राइम की बोतल 5,000 रुपए की। वो बैठा है फसाद की जड़, ये सब उसने किया है, ये उसकी वजह से हो रहा है सारा कुछ। ओए ओए ये क्या है, ये सब क्या है, ये क्या है, ये किसका बैग, ये किसका सामान है यार, ये किसका सामान है, मामा का लग रहा है यार, ये क्या सीन है भाई, ये मैं घर आया हूँ, पैकिंग चेकिंग कहाँ जा रहे हो आप लोग, कहीं कौन जा रहा है तो यार ये कौन जा रहा है, ये सब खोल के रखे हैं ये बैग शैग कपड़े तैयारियाँ, क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है, नाच लो और एक्टिंग करो, तुम क्या कर रहे हो, मजा नहीं आया यार, शिट यार। चलो अब जरा सही बात बताओ क्या है, तो हम लोग जा रहे हैं मर्री यार अब पता है क्या सामान रखना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं होता ना वहाँ कब क्या जरूरत पड़ जाए, कब आपकी वो पोटी निकल जाए बीच में, तो फिर एक्स्ट्रा पैंट चाहिए होगी ना, और अगर शर्ट बीच में डाली हुई तो वो भी गंदी हो जाएगी, तो इसलिए फिर हम ये एक्स्ट्रा सामान रख रहे हैं। तो अच्छा यार प्लान बना, तुम लोगों ने बताया नहीं किसके साथ जा रहे हैं, तो मैं मुझे तो पूछा ही नहीं मेरा सामान कहाँ है, मैं ना जाऊँ फिर, ये मेरा, ओह माय गॉड, तो भाई पैदी गंगा में हम भी डुबकी लगाने जा रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि गर्मी की छुट्टियां हो, सब लोग बाइक घूमने फिरने जा रहे हैं और हम टैग ना लगवाएं, है ना, टैग का मतलब कि हम ना जाएं, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये ना असल में डरते हैं, ये दूर नहीं जाते, मैं इनको कह रहा था नारायण चलो, लेकिन फट्टू बच्चे हैं बिल्कुल फटास। गाइस आपको बताऊं हम कौन सी गाड़ी पे जाने लगे हैं, आपको तो पता ही है हम किस पे जा रहे हैं, है हमारे पास सस्ती गाड़ी है, पर हमारे पास जाने वाले हैं इस पे, बाबा हम इस पे जाएंगे ना, ये इस पे जाने हमने, इस पे, इस पे कैसे जाएंगे, ओ यार इस पे तो आप बैग में डाल के जाओगे, हम कैसे जाएंगे इस पे, ओ नहीं नहीं आप इस पे आ जाओ, हम अपनी गाड़ी पे चलते हैं, आप इसमें बैठो, एक पांव से ऐसे ऐसे ना, ऐसे 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 यूं करना, एक पांव से घसीटना इसको और मोटर पे बैठ जाना, ठीक है, Two, three, four.